राम राम, जय हिंद। स्वागत एक बार फिर से आपका हिंद डिफेंस एकेडमी पे। तो आज का वीडियो है, जिसको भी ये समस्या आ रही है कि दौड़ के बाद या दौड़ते समय आपकी जो गला है वो आपका सूख जाता है, मतलब कि बहुत ज्यादा सूख जाता है गला। उसके बाद हमें लगता है कि जैसे खिंचाव हो रहा है गले में, कोई खींच रहा, अंदर कुछ पड़ गया है, या फिर हमें रुकने का मन हो जाता है। यकीन मानो, हम कोई भी एक सिंगल ऐसा डाउट नहीं रखेंगे जो रनिंग से रिलेटेड आपको हो। वर्कआउट की सीरीज हमने पहले ही लॉन्च कर दी थी, 1 साल पहले सारे वर्कआउट आपको हमने बता दिए थे। अब ये जो सीरीज चली, इसमें आपको जो छोटे छोटे डाउट है वो सब क्लियर कर देंगे, एक भी डाउट नहीं छोड़ेंगे, मेरा वादा है आपसे। और वो वीडियो भी क्वालिटी वीडियोस होंगी, एक भी ऐसी चीज नहीं होगी जिसमें आपका हम टाइम वेस्ट कर रहे हो। प्रॉपर आपको नॉलेज मिलेगी, प्रॉपर आपको चीजें वो मिलेंगी जो आप फॉलो करके तुरंत अपने रिजल्ट भी देख सकते हो, तभी आप इस चैनल पे बने हुए हो इतने दिन से, उसके लिए शुक्रिया भी है। अच्छा, एक चीज और हम यहाँ पे सॉरी ऐड करना चाहते हैं, हमने कभी भी किसी भी वीडियो में अपने ये नहीं बोलते कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कभी नहीं बोलते, लेकिन फिर भी वो ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो उसके लिए भी धन्यवाद। 5 चीजें हैं, 6 चीजें जिनकी वजह से आपका गला सूखता है। सबसे पहला रीजन होता है डिहाइड्रेशन। हम लोग ग्राउंड पे बहुत मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी स्वेट करती है, पसीना छोड़ती है, पसीने के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि विटामिन्स मिनरल्स भी लूज करती है। अब जब ये मिनरल्स लूज हो रहे हैं आपकी बॉडी से, तो उससे होता क्या है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है। तो पहला रीजन ये होता है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। तो इसके लिए भी सारी चीजों के लिए सोल्यूशन हम बाद में बताएंगे, पहले प्रॉब्लम समझ लो आ कहाँ से रही है प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा रीजन क्या होता है, एलर्जी। आजकल बहुत सारे वायरस इन्फेक्शन इस तरीके की चीजें चल गई हैं, जिसकी वजह से बहुत सी हम लोगों को एलर्जी हो जाती है। अब इस एलर्जी की वजह से भी आपका गला सूखने की समस्या हो सकती है। अगला है कि आप बहुत दिन से स्मोकिंग कर रहे हो, उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो आपका एपिग्लोटिस है, जहां से आप सांस या तो श्वास नली की बात करें, अगर चलो छोड़ो वो चीजें, मतलब कि आप अगर स्मोकिंग कर रहे हो बहुत दिन से, तो उसकी वजह से भी आपकी ये गला सूखने की समस्या हो सकती है। और जब गला सूखता है उसके बाद सांस भी फूलने की समस्या चालू हो जाती है। वहीं से मुंह से सांस लेना, अब आप शुरुआत से ही रनिंग कर रहे हो, मुंह खोल के सांस ले रहे हो, तो उससे भी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे, जैसे ही आप 2 चक्कर मारे 3 चक्कर के बाद, ये दिक्कतें और बढ़ने लगती हैं। अगला है तेज चिल्लाना। जब भी आप घर पे रहते हो, तो मान लो कभी तेज चिल्लाते हो, या फिर कुछ ऐसे ओकेजन में आप गए हो जहाँ पे बहुत तेज आवाज करके बातचीत होती है, या फिर कुछ भी समझ के चलो जहाँ पे आपकी आवाज बहुत तेज निकल रही हो, उसके बाद भी प्रॉब्लम हो सकती है। और एक चीज ये भी होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर। ये क्या होता है कि कई बार आपका जो डाइजेशन होता है वो सही नहीं होता, जिसकी वजह से भी आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड फिर उसके बाद आता है आपका गला सूखना। तो ये तो होगी प्रॉब्लम्स आई कहाँ से। अब प्रॉब्लम्स तो हमें पता चल गई, अब हम समझते हैं कि इनको हम ठीक कैसे करें। बहुत सिंपल सिंपल रीजन देंगे हम, चीजें बताएंगे आपको। अगर आपका गला बहुत सूख रहा है, तो पहली बात ये मत समझो कि गला सूख रहा है तो ठंडा पानी पी लोगे तो ठीक हो जाएगा। नहीं, जो बर्फ होता है, जो ठंडा होता है पानी होता है, उसकी तासीर बहुत गर्म होती है। तो पहली चीज ये है कि अगर आपका गला बहुत सूख रहा है तो गार्गल्स कर सकते हो आप। गार्गल्स होता है पानी का गरारा, इसको आप कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो अगर आपका गला बहुत सूख रहा है तो गार्गल्स कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपका गला चाय वो क्या कहते हैं उसमें बहुत सूख रहा है जब आप रनिंग करते हो, तो चाय कॉफी का इंटेक बहुत कम कर दो, ठीक है। चाय कॉफी का इंटेक बहुत कम कर दो। ये किस लिए? ये इसलिए क्योंकि ये आपकी बॉडी को अंदर से क्या होता है, जब आप कॉफी या चाय पीते हो तो आप यूरिन बहुत करते हो, मतलब आप बार बार बाथरूम जाते हो, टॉयलेट जाते हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको थोड़ा सा आपको कम करना है, ठीक है, इसको चाय कॉफी को थोड़ा सा कम कर देना है। अगली बात आपको ये करनी है कि जब भी आप रनिंग करने जाओ, ठीक है, जब भी आप रनिंग करने जाओ तो अपने साथ एक बोतल पानी जरूर ले जाओ, और उसमें कम से कम आधा नींबू निचोड़ के ले जाओ, ठीक है। एक बोतल पानी ले जाओ, उसमें आधा नींबू निचोड़ के ले जाओ। बस इस बात का ध्यान रखना, बोतल में पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी। नींबू क्या करेगा, नींबू ये करेगा, जैसे आप बाहर दौड़ते हो तो एलर्जी इन्फेक्शन, कहाँ दौड़ रहे हो आप कुछ नहीं पता, तो उससे आपको बचाएगा, जिससे कि ये प्रॉब्लम अगले दिन तो ना हो कम से कम। तो आधा बोतल पानी में आप आधा मतलब एक बोतल पानी में आप आधा नींबू ले सकते हो, चाय कॉफी आप थोड़े से कम कर सकते हो, या फिर ये कहें अगर बहुत ज़्यादा गला सूख रहा है तो कुछ दिन के लिए बंद कर दो, उसके बाद आपको गार्गल करना है। चौथी चीज़ ये है कि आपको स्मोकिंग क्विट करनी पड़ेगी, स्मोकिंग आपको क्विट करनी पड़ेगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अगली बात यह है, अपनी लैंग्वेज में आ गए थे, ठीक है। अगली बात यह है स्लीप। स्लीप बहुत अच्छे से लो, ताकि आप जितनी देर रेस्ट करोगे आपका जो गला है वो भी रेस्ट करेगा, तो उससे क्या होगा कि आपको अगले दिन दौड़ में उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये चीजें आपको करनी है, और साथ में साथ एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इसी यहाँ से बेसिक शुरू होता है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी बॉडी में सिट्रस फ्रूट भी जाने चाहिए। सिट्रस फ्रूट का मतलब क्या होता है, जैसे कि ऑरेंजेस,
ऑरेंजेस 25 रुपए किलो मिल रहे हैं, तो कोई ज्ञान ना देना कि महंगे हो गए, ठीक है। तो इतनी चीजें बस आपको करनी है। और हाँ, एक लास्ट बचता है कि अगर ये दिक्कत हो रही है तो सुबह सुबह आप शहद भी ले सकते हो। सुबह सुबह आप नॉर्मल पानी में, गर्म पानी नहीं, नॉर्मल पानी में एक चम्मच शहद मिला के भी पी सकते हो। बस इतने काम करो, तुम्हारा हम यकीन से बता सकते हैं कि गले सूखने की समस्या हो ही नहीं सकती, कभी नहीं होगी। और इस बात का ध्यान रखना कि हम जो भी चीजें बताते हैं वो रहती बेसिक ही हैं, बस थोड़े से शब्द थोड़े अलग होते हैं जिसकी वजह से तुम लोगों को लगता है कुछ हमें अलग बता दिया, ठीक है। पहली चीज है गार्गल, मतलब पानी का जो गरारा करते हो वो करना है, जिससे कि जितना भी इन्फेक्शन एलर्जी एलर्जी कुछ है वो खत्म हो जाएगी। चाय कॉफी आपको बहुत कम कर देनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना, चाय कॉफी बहुत हद तक आपको कम करनी है। एक बोतल पानी में आधा नींबू लेके जाओ जब भी ग्राउंड में जाओ। स्मोकिंग क्विट कर देनी है, स्लीप अच्छी लेनी है, पानी की कमी नहीं होने देनी बॉडी में। एक संतरा तो खा ही लो कम से कम एक दिन में, और उसके बाद एक चम्मच शहद अगर हो सकता है तो सुबह वो भी खा लो, पी लो मतलब, ठीक है। तो आज के वीडियो को मेरे हिसाब से ये खत्म करना चाहिए, और टॉपिक बहुत अच्छा था, समझ में आ गया होगा, इसको इंप्लीमेंट जरूर करना और हमें रिजल्ट जरूर बताना। जय हिंद।